करप्शन, करप्शन को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने आतंकवादियों से ये कहा कि जिन बच्चों ने बंदूक उठाई है बजाय मासूम लोगों को निशाना बनाने के, उन्हें निशाना उन लोगों को बनाना चाहिए था जिन लोगों ने इस रियासत को लूटा है। गवर्नर ने इसको क्लैरिफाई भी किया, उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है, जिस तरफ भी जाता हूँ, जहाँ भी बैठता हूँ, कहीं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कहीं चाय पी रहा हूँ, तो मालूम पड़ता है कि हर जगह जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके शेयर हैं। और उनने ये भी कहा कि वो लोग जिनके पास आज से 20-40 साल पहले कुछ भी नहीं था, उनके पास एक करोड़ रुपया या अरबों रुपया कहाँ आया कि उनके मॉल श्रीनगर में भी हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ इंग्लैंड में भी हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दिया और एक चीज़ ये भी राज्यपाल ने साफ कर दी कि वो जो बयान देते हैं उस बयान पर टिके हुए रहेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का खेद ज़रूर जताया कि गुस्से में उन्होंने ये बात कह दी कि आतंकवादियों के बारे में ये बात कह दी। मगर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आता है, और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जब आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद आप कॉमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में आप ज़रूर लिखें मुझे कि 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बने और जम्मू कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा बना, हिस्सा बनने के बाद से लेकर आज के दिन तक, आज 2019 जुलाई का महीना, आज के दिन तक आप उस ऑफिसर का, उस नेता का, उस बड़े राजनीतिक व्यक्ति का, उस बड़े बिजनेसमैन का नाम नीचे लिखिए जिसको करप्शन के इल्ज़ाम के चलते या करप्शन में इन्वॉल्व होने के कारण या आतंकवाद में लिप्त होने के कारण या अलगाववाद को पूरी कश्मीर घाटी में उसकी खेती करते करने के इल्ज़ाम में उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई हो। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो जितना लंबा चौड़ा इतिहास में गिना रहा हूँ, इस लंबे चौड़े इतिहास में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ सख्त और संगीन इल्ज़ामात लगे, संगीन इल्ज़ाम लगने के बावजूद वो लोग बड़ी एमिकेबली बाइज्जत तरीके से अपनी उन पोजिशनों से रिटायर हुए। थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं और मैं स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो अब स्टेट विजिलेंस कमीशन बन चुका है और अब उसे एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट विजिलेंस कमीशन के अंडर काम करता है, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड टटोल रहा था तो मुझे पता चला कि 1999 के भी कुछ केसेस अभी पेंडिंग हैं। क्राइम ब्रांच में भी इसी तरीके से अगर थोड़ा इतिहास में आप चले जाएं तो बहुत पुराने केसेस आपको उनके पास पेंडिंग मिलेंगे। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की अगर माने तो 92% केसेस पेंडिंग हैं अलग अलग कोर्टों में, और उसके बाद कोर्ट जिन जिन केसेस में कार्रवाई करती है या कोर्ट जिन केसेस को लगातार सुनती है और उसके बाद जब वो केस क्लोज होने पर आता है, जजमेंट जब आती है, तो अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि जिसके खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया था वो बाइज्जत बरी हो गया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया वो बाइज्जत बरी हो गया। यहाँ तो हालत ये है कि मर्डर के केसेस में लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वजह, जज साहिबान बारहा ये कहते हैं कि पुलिस जो पड़ताल करती है और उसके बाद जो तथ्य सारे के सारे कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर किसी भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है। अब ये हमारे राज्य की हकीकत है, ये हमारे राज्य की हालत है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ये दर्द आखिरकार है क्या। जिस रियासत में स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का क़याम किया गया कि जनाब अब जो बड़े सियासी चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, अब इन सियासी चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सियासी चोर अब इनके ऊपर कदगन लगेगी और जो कौमी दौलत इन लोगों ने लूटी है वो कौमी दौलत इनसे वापस ली जाएगी, ये ख्वाब पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने इस रियासत को दिखाया, उस समय के लॉ मिनिस्टर, उस समय के वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने बिल मूव किया, स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का क़याम हुआ, जस्टिस आरपी सेठी को बिठाया गया। जब जस्टिस आरपी सेठी ने काम करना शुरू किया और चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करनी शुरू की और लगने लगा सरकार को भी कि शायद अब कम से कम
एक लंबे चौड़े अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में किसी एक सियासी चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आपने नतीजा देखा, उनके पर्क उतर दिए गए और उनके साथ दो और लोगों को जोड़ दिया गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के साथ साथ में क्राइम ब्रांच भी काम कर रही है। क्राइम ब्रांच के साथ 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 में एंटी करप्शन ब्यूरो, जो मैंने आपको बोल दिया, वो भी काम कर रहा है। स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन अलग से काम कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन अलग से काम कर रहा है, पुलिस अलग से काम कर रही है। अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर डिपार्टमेंटल विजिलेंस कमिटीज़ बनाई गई हैं, DVOs हैं, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, ये तमाम लोग अलग अलग डिपार्टमेंटों में रखे गए हैं ताकि चोरों के ऊपर नज़र रखी जाए और जो भी चोर नज़र आए उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई हो। लेकिन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। हर साल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान एक सवाल पूछते हैं कि जनाब ये बताइए विजिलेंस डिपार्टमेंट में कितने लोगों के खिलाफ, कितने सरकारी अफसरों के खिलाफ, कितने IAS, IPS, KS, KPS ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमे हैं, केसेस हैं, तो एक लंबा चौड़ा पोथा, लगभग कोई 1500-1600 पेजेस का पोथा जो है, वो हर साल स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो हो चुका है, वो मीडिया के साथ शेयर करता है, मेंबर्स के साथ शेयर करता है। पोथे में नाम वही हैं, केस का स्टेटस वही है, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा, उसके बाद ये पूछा जाता है कि बताइए भाई कितने लोग ऐसे हैं जो लोग बिजली फीस नहीं देते, कितने सरकारी बाबू ऐसे हैं, कितने IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं, IPS ऑफिसर्स ऐसे हैं, पूर्व मंत्री ऐसे हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन लोगों की भी आ जाती है, उसमें बहुत सारे और लोगों की लिस्ट भी आ जाती है और वो लिस्ट हर साल रिवाइज होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की सरकार उसको रिलीज़ करती है, अगले 6 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस रिलीज़ करती है, फिर PDP BJP उस लिस्ट को रिलीज़ करती है। मतलब कहने का ये कि किसी भी बड़े चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर कार्रवाई होती है छोटे मोटे क्लर्कों के खिलाफ होती है। यही वो वजह थी कि जब एक चपरासी को 50 रुपये की रिश्वत लेने के चक्कर में हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया तो जज साहब ने अपनी जजमेंट में ये लिखा, इस दौर इस वक्त में जब अरबों रुपया रिश्वत के तौर पर इधर से उधर हो रहा है और सब पब्लिक नॉलेज में है, उस दौर में आप 50 रुपये की चोरी करने वाले एक चपरासी को यहाँ लाए हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और 10 साल के बाद अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी 10 साल तक 50 रुपये का केस लटकता रहा। स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसमें आपको याद होगा पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद के PRO केवल कृष्ण शर्मा का एक मामला पड़ा हुआ है, उस मामले में क्या हुआ हमें पता नहीं। जम्मू कश्मीर बैंक का मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, हर दिन उनका एक प्रेस नोट इशू होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने उसमें FIR लगा दी, हमने इस मामले में FIR लगाई, लेकिन अभी तक जो पूर्व चेयरमैन हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कोई पता नहीं। उसके बाद पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठौर के बेटे के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए, इल्ज़ाम लगाने के बाद बाज़ाब्ता वहाँ पर ACB की रेड्स भी हुई, रेड होने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कोई पता नहीं। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जो इस वक्त श्रीनगर के डिप्टी मेयर हैं उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से जो लोन लिया था, लोन लेने के बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने इनको बहुत ज़्यादा रियायत दी, इलीगली दी, गलत तरीके से दी, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ कोई FIR ज़रूर लगी है लेकिन कोई कार्रवाई, यानी क्या कोई पूछताछ हुई उनसे, क्या क्वेश्चनिंग हुई, क्या उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब एंटी करप्शन ब्यूरो को देने चाहिए। हम इसलिए भी ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि 14 साल की मेरी पत्रकारिता में BR कुंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी को ये काम दिया गया कि आपने फॉरेस्ट के अंदर होने वाली धांधलियों को बाहर निकालना है। उस कमेटी ने एक मोटी सी रिपोर्ट दी जिसकी कॉपी एक आधी मेरे पास भी है। उस रिपोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स के नाम हैं उनमें से एक भी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और मैक्सिमम ऑफिसर्स जो उसमें इन्वॉल्व थे वो रिटायर हो चुके हैं। उससे पहले जैकफेड का स्कैम हुआ, जैकफेड के स्कैम में बड़े बड़े बाबुओं के नाम आए, वो सभी बाबू बड़े बाइज्जत तरीके से अपने अपने ओहदों से रिटायर हुए और आजकल सियासी पार्टियों में जा चुके हैं और सियासतदान बन चुके हैं। इसी तरीके से इस रियासत में टिम्बर स्कैम हुआ, जो लोग टिम्बर स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिन ऑफिसर्स के खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए, वो सभी के सभी ऑफिसर्स इस समय प्राइम पोस्टिंग्स पर हैं। रोशनी स्कैम हुआ,
रोशनी स्कैम में जिन ऑफिसर्स के नाम आए वो ऑफिसर्स इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं और राज्यपाल उनकी तारीफ भी हर अपनी मीटिंग में करते हैं। रोशनी स्कैम के साथ साथ में सिविंग मशीन स्कैम आया, उस सिविंग मशीन स्कैम में भी जिन लोगों का नाम आया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। केवीआईबी का रिक्रूटमेंट स्कैम आया, जिन लोगों के नाम उसमें आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सीमेंट से जुड़ा हुआ एक मामला आया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का मामला सामने आया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल के खिलाफ इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने गलत तरीके से तेल लिया, उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं और कहा जाता है कि वो मामला इस समय हाईकोर्ट में स्टे है। चूँकि स्टे है हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्टेट कोशिश करती तो शायद उस मामले में कोई कार्रवाई होती, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद डल लेक में ड्रेनेज के नाम पर, उसको साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपया डल लेक के ऊपर लगा है। जिन लोगों ने ये पैसा डल लेक पर लगाया, जिन लोगों के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने पैसे का खुर्दबुर्द किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और उसके बाद विडंबना ये है कि जितने भी सरकारी बाबू हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, फ्लैट्स खरीद रहे हैं, दिल्ली में वो फ्लैट परचेज कर रहे हैं, चंडीगढ़ में कर रहे हैं, मोहाली में कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, अलग अलग नामों पर उन्होंने ये सारी परचेजें की हुई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये इन तमाम चीज़ों की इजाज़त आखिरकार इनको देता कौन है, जबकि आपका CSR का मैनुअल बिल्कुल कैटेगोरिक और बड़ा क्लियर है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट के HOD हैं और आप किसी एक कंपनी के साथ डील कर रहे हैं सरकार की बिहाफ पर, आपका बेटा आपकी बेटी उस कंपनी में मुलाजिम नहीं लग सकते। ये कानून है, मैं कानून बता रहा हूँ, लेकिन कौन इन चीज़ों का पास रखता है। और उसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये तमाम चीज़ें उनके नॉलेज में हैं, उसके बाद जाकर ही उन्होंने कहा कि दर्द होता है, मुझे तकलीफ़ होती है मुझे ये देख कर कि जब मैं पिट्ठू वाले को देखता हूँ जो अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को अपने कंधे पर लाद कर गुफा तक पहुंचाता है, उस पिट्ठू वाले के पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं, तो उस टाइम मुझे दुख होता है, उस टाइम मुझे तकलीफ होती है। मैं ये सोचने पर हैरान होता हूं कि जिस कश्मीर वैली में इतना पोटेंशियल, जिस कश्मीर में इतना टूरिज्म, जिस कश्मीर में लोगों के पास अरबों रुपया खर्च करने के लिए है, उस कश्मीर में आज भी लोग गरीब हैं, आज भी वहाँ गुर्बत है, लोगों के पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं है। आखिरकार जो पैसा इन तक जाना चाहिए था वो इन तक पहुँचा क्यों नहीं, गया कहाँ वो पैसा। और उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना इस चीज़ की कि ये राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी पता है, एक नेक्सस है, बड़ा कोऑर्डिनेटेड नेक्सस है कि जहां नेता बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के साथ मिलकर ये काम करता है। और आपको मैं ये भी बताऊं, और आप भी भली भांति जानते हैं, जब PDP BJP की सरकार आई तो फौरन दो लिस्टें निकल आईं कि जनाब इतने लोग फोर्सिबली रिटायर कर दिए गए हैं क्योंकि ये लोग नालायक हैं, ये लोग चोर हैं, हमने इनको बाहर कर दिया। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार 2002 में बनी थी, ऐसी ही एक लिस्ट उस समय भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने निकाली थी। वो पहली लिस्ट के भी सारे लोग जिनको बाहर निकाला गया था सबके सब वापस आए और आज नौकरियां कर रहे हैं, और जो इस दूसरी लिस्ट में लोग निकाले गए थे वो भी वापस आ गए, वो भी आज नौकरियां कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब आप कोई कार्रवाई जो है राजनीतिक लोगों के खिलाफ करना ही नहीं चाहते। स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के पास ताकतें थी कि वो IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, लेकिन आपने वो तमाम ताकतें उससे छीन ली, वो ताकतें दे दी आपने स्टेट विजिलेंस कमीशन को। उसके बाद जो केसेस स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के पास थे वो ट्रांसफर हो गए स्टेट विजिलेंस कमीशन को, यानी कमीशन को दोबारा से उन केसेस को सुनना है, देखना है, पढ़ना है, पड़ताल करानी है। अब जरा यहां दो मिनट के लिए आप ये सोचिए, दोनों बॉडीज रिकमेंडेटरी बॉडीज हैं, ना अकाउंटेबिलिटी कमीशन के पास ये ताकत है कि वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, और ना ही ताकत है स्टेट विजिलेंस कमीशन के पास कि वो किसी के खिलाफ किसी कार्रवाई का आदेश दे सके। कमाल है ना, यानी स्टेट विजिलेंस कमीशन एक केस तैयार करेगा, तैयार करने के बाद उसे मालूम होगा कि इसमें बिल्कुल करप्शन प्रूव हो गया, सब कुछ प्रूव हो गया, लेकिन स्टेट विजिलेंस कमीशन क्या कर सकता है, सिफारिश सरकार से कि जनाब इसे हमने चोर पाया है, अब इसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। सरकार क्या करेगी, सरकार सुन लीजिए, सरकार क्या करेगी, सरकार ये करेगी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल जाएगी,
फाइल मुख्यमंत्री आवास तक जब पहुंचेगी, वहां फाइल में एक नोट लिख दिया जाएगा कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई मामला बनता है। ये मजाक ही तो है। इसीलिए तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपना दर्द बयान किया, अपनी तकलीफ बयान की कि इस रियासत की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी वबा इस रियासत में अगर कोई है तो करप्शन है, चोरी है। इसके अलावा कोई इतनी खतरनाक या मोहलिक बीमारी इस रियासत को नहीं लगी है जिससे इस रियासत को दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो बात कही वो आपके सामने है। अब पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अपनी रेपुटेशन दिल्ली में मालूम करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता हैं दिल्ली से बहुत प्यार है इनको। पत्रकार इनको इंटरव्यू के लिए कहें तो जम्मू कश्मीर में इंटरव्यू देने में इनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जम्मू कश्मीर का पत्रकार इनसे वो सभी सवाल पूछेगा जो पूछे जाने चाहिए। दिल्ली में अगर नौसिखिया भी कोई नया जिसने अभी जर्नलिज्म का ABCD भी प्रॉपरली ना पढ़ा हो, इन्हें कहीं टकरा जाए तो ये उसका हाथ पकड़ के चले जाते हैं कि यार हमारा इंटरव्यू करवा दो वहाँ पर। ये इनकी हालत है। दूसरा इनका दिल्ली से प्रेम ये भी है कि दिल्ली की खबरें दिल्ली वालों को कम पता होती हैं और हमारे यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होती हैं। मतलब आप जैसे मोहम्मद अकबर लोन को पता चल गया कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो पता नहीं किस कानून के तहत इंजीनियर रशीद इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सूचना देने का काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। वो तो आधिकारिक तौर पर भी सरकार का जब अब आप हिस्सा होते हैं, गृहमंत्री आपका सारी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार को देता है, ठीक है जी। तो आप दिल्ली के साथ बड़ी मोहब्बत है। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी दिल्ली के साथ जबरदस्त प्यार और जबरदस्त मोहब्बत है। कैसे है? जिस समय वो खुद फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय दिल्ली में सब ठीक था, और आज वो कहते हैं कि दिल्ली की खबर उन्हें हो रही है। यानी ना गृहमंत्री अमित शाह को कुछ पता है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ पता है। पता है तो उमर अब्दुल्ला को पता है, और उमर अब्दुल्ला के जो दिल्ली में दोस्त हैं उन्हें मालूम है कि सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं। जरा सोचिए, जिस राज्यपाल के चार एडवाइजर्स हों, फारूक खान, कृष्ण विजय कुमार, के स्कंदन और केवल कृष्ण शर्मा, इन चारों की इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है। कोई सवाल आज तक इनकी इंटेग्रिटी पर न कभी केंद्र में किसी ने उठाया, ना अभी तक राज्य में किसी ने उठाया है। तो राज्यपाल जो कोई भी काम करते हैं इनसे पूछकर और इनसे की सलाह लेकर करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की रेपुटेशन के बारे में उन्हें कहते हैं कि आप जरा दिल्ली मालूम कीजिए, तो क्या आप इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो चारों एडवाइज़र सत्यपाल मलिक के हैं वो चारों एडवाइज़र करप्ट हैं? ये मैं नहीं, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्वीट के ज़रिए। बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जंग जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये जो करप्शन के खिलाफ जंग है ये कभी इस राज्य में जीती नहीं जा सकती। इसलिए नहीं जीती जा सकती क्योंकि इस राज्य में होता ये है, जिस आदमी के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम लगता है उसे राजनीतिक छत्रछाया मिल जाती है, और जूं ही राजनीतिक छत्रछाया मिल जाती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जम्मू कश्मीर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बड़े बाबू हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके खिलाफ 2 FIR हों, 4 हों, 10 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में आप बाइज्जत तरीके से रिटायर हो सकते हैं। इसलिए मेरी विनम्र विनती सभी उन ऑफिसर्स के साथ जो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें एक ऐसे राज्य में काम करना है जहां पर वो आराम से अपने सभी काम सीधे भी और टेढ़े भी कर सकें, उनके खिलाफ FIR भी लगे और ताउम्र उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो और रिटायरमेंट भी बाइज्जत तरीके से हो, तो आप जम्मू कश्मीर आइए। और जब आप जम्मू कश्मीर आएंगे यहां पर आकर आपको मालूम ये पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ रेपुटेशंस, क्योंकि यहां हमारे नेता दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं।